में डिफरेंट व्हाट्सएप के फेसबुक के ग्रुप्स में। अच्छा, हम ये एक नया कोर्स लॉन्च करने लगे हैं चैटबॉट डेवलपमेंट का, और उस कोर्स की जो एडमिशन की लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, लेकिन अगर स्टिल कोई ये वाला सेशन देख रहा है तो वो अभी भी फीस सबमिट करके अपने आप को इनरोल कर सकता है। अच्छा, इस सेशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने सेशन किया था कि एक सलील के साथ के भाई वॉइस में ना क्या जिद्दत आ रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं रिसेंट उसमें, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, फिर हमने सेकंड पॉडकास्ट किया जिसमें हमने मार्केट और बिजनेस परस्पेक्टिव से देखा कि भाई चैटबॉट कहाँ जा रहा है। आज हम ये देखेंगे कि ये जो जर्नी है, जो आप एडमिशन ले रहे हैं इस चैटबॉट के कोर्स में, इसकी जो जर्नी है ये कैसे चलेगी आपकी। और ये जो जर्नी है, जाहिर है जो अभी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो इस जर्नी से गुजर चुके हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मुझे रिसेंटली कुछ मेरे ही प्रीवियस स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई मुझे ना बंदों की ज़रूरत है, हमें बंदे, मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ अभी, मतलब मुझसे पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस रन कर लिया, जॉब्स भी की होंगी जाहिर है शुरू में, तो उनको जो है ना बंदों की ज़रूरत है। तो मुझे फिर एकदम ख्याल आया जब दो तीन चार लोगों ने ये बात कही ना, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इन सबको इकट्ठा करके ना फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं। और यहाँ पे अभी हम दो काम करेंगे। नंबर एक, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे पहले तो हम उनका ये देखेंगे कि भाई उन्होंने शुरू कहाँ से किया था, क्या उनका माइंडसेट था जब वो ये कोर्स शुरू कर रहे थे, जब वो कोर्स आया कि वो मुझे पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, या किसी ने उनको बता दिया था कि भाई चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन बहुत ही कोई टॉप चीज़ है, या वो ऐसे ही तुक्के में आ गए थे और उनको नसीब से यहाँ पे एडमिशन हो गया था मेरे पास और उन्होंने पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने के दौरान उनको क्या डिफिकल्टीज आई, आया कि मुश्किल है आसान है, कि स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से। तो और उसके बाद जब वो सीख के बाहर निकले तो क्या उनको जॉब मिल गई या नहीं मिली, तो अच्छा उनको अगर जॉब मिल गई तो वो कैसे मिली, कहाँ पे जाके उन्होंने तलाश किया, कौन सी कहीं किसी कंपनी में जाके खड़े हो गए कि यार मुझे जॉब चाहिए, या कहीं ऑनलाइन कहीं पे सर्च किया या कुछ, या कैसे मिली जॉब। ठीक है, ये एक सवाल है ना कि जॉब मिलेगी कैसे, क्या आपके कोई घर आएगा दस्तक देगा जॉब देने के लिए, या आपको कहीं जाना पड़ेगा, पता होना चाहिए ना, डेटा होना चाहिए। तो कैसे मिली अगर जॉब मिल गई तो, अच्छा अगर नहीं मिली तो क्या क्या चीज़ें ट्राई की थी जब जॉब नहीं मिली, अगर किसी को जॉब नहीं मिली होगी प्रीवियस स्टूडेंट से हमें, तो उसका हम पूछेंगे कि यार आपको आता क्या क्या, अपना पोर्टफोलियो आप अभी यहीं पे दिखाओ, और वो पोर्टफोलियो जाहिर है क्योंकि फेसबुक पे पब्लिक है तो फिर बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे। अच्छा, व्यूअर्स में से जो लोग देख रहे हैं वो भी, चाहे वो मेरे कोर्स के स्टूडेंट हो या ना हो, किसी भी कहीं और से भी पढ़ा हो उन्होंने, खुद से भी पढ़ा हो, आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ कॉमेंट में शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा चैटबॉट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपने जो बनाया हो उसका लिंक आप यहाँ पे कॉमेंट में लगाएंगे, तो वो आजकल पोर्टफोलियो ही सब कुछ है, ये बात समझ लें अच्छी तरह। डिग्री शिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उसकी जो नौकरी है वो एक मजदूर वाली नौकरी है। ठीक है, वो कोई सेठ साहब नहीं है, मजदूर मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि उसको हाथ से बैठ के कोड लिखना है अपना, तो अब वो डिग्री उसको है उसके पास, वो कोड लिखना उसको नहीं आता तो कोई उसका क्या करेगा। मैंने अगर मेरी कंपनी में मुझे हायर करना है, मुझे या अभी हसीब अभी आएंगे, वो हसीब को अगर हायर करना है तो वो उसको करेगा क्या, डिग्री को लेके चाटेगा थोड़ी, तो काम आना चाहिए भाई। तो पोर्टफोलियो जो भी व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं वो भी अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबली वो भी दे विल गेट हायर्ड। अच्छा, फिर हम ये पूछेंगे उनसे कि अगर उनको जॉब्स मिल गई हैं या बिजनेस कर लिया है या जो भी किया है, तो उस बिजनेस की उनकी जर्नी जो है वो कैसी रही है। अच्छा, तो हसीब अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, नजर हसीब को मैसेज मार लूँ। हाँ भाई, हसीब डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, तो चलो एक काम करते हैं, तो फिर तो मैं बाद में लेते हैं, मैं फाइव से शुरू कर लेता हूँ। अच्छा यार, वो
शिराज या फायश या जो भी अभी मौजूद है व्हाट्सएप के ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर पॉडकास्ट के सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें यार जरा एक मुझे लिस्ट बना के बता दो नीचे कि ना कौन से बंदे का कौन सा स्लॉट था, क्योंकि वो मुझे मिल रहा नहीं है अभी ना। तो अभी फायश को हम लेते हैं ऑन बोर्ड जरा। ठीक है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फायश, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अपना जरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा सब लोगों को। माय नेम इज फसी अहमद रजा और आई एम डूइंग अ बैचलर इन आर्ट आपकी एजुकेशन। आवाज ना काफी स्लो आ रही है, थोड़ा सा आपको अस्सलाम माइक। वालेकुम, आवाज आ रही है अब? हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। माय नेम इज फसी अहमद रजा एंड आई एम डूइंग अ बैचलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम बेल यूनिवर्सिटी। रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय चैट बोर्ड कोर्स फ्रॉम सिलानी एंड माय टीचर वाज सर इंतमाम एंड आई आल्सो प्रोवाइड्स चैट बोर्ड रिलेटेड सर्विसेज ऑन फाइवर एंड अपवर्क and alhamdulillah I have completed 12 plus projects on Fiverr till now. अच्छा फाइश, मेरे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जो बिगनर्स हैं, असल में नया कोर्स शुरू हुआ है, उसकी ये पहली दूसरी क्लास है, तो अगर आप घर वाली बात है तो आप ना उनसे जरा थोड़ा देसी लैंग्वेज में अगर बात करेंगे ना उनको ज्यादा समझ आएगा। असल में फाइश पूरा दिन गोरों के साथ काम करते हैं, तो फाइश अभी हो गए गोरे। नहीं, मैं अपनी भी बात करूं अगर, तो मैं भी ना अगर 2-3 घंटे की मीटिंग अगर ले लूं किसी गोरे के साथ, तो फिर मुझे ना उर्दू बोलना, एक तो इंग्लिश बोलने में हो जाता है जबड़ों में दर्द यहाँ पे दोनों साइड ना, अगर आपको 2 घंटे अंग्रेजी बोलनी पड़े ना यहाँ पे दर्द हो जाता है, लेकिन वो 2 घंटे बाद ना फिर यूज टू हो जाता है बंदा, फिर उर्दू नहीं बोली जाती, फिर 2-3 घंटे तक ना दिल करता है कि उर्दू में कोई बात ना करे इंग्लिश में। ये बात है। थोड़ा सा आपको जहमत होगी, लेकिन अगर आप देसी लैंग्वेज बात करें ना वो सबको लोग रिलेट कर पाते हैं। तो फाइट, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जब आपने चैटबॉट के कोर्स में एडमिशन लिया तो आया कि आपको किसी ने बता दिया था, किसी ने, आप क्या मुझे जानते थे कि आपको पता था चैटबॉट क्या चीज है, या वैसे ही आप रैंडमली आपने कहा कि चलो एक कोर्स हो रहा है तो देखते हैं? नहीं, जो इस कोर्स का इनविटेशन था मेरे पापा ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, तो तब मैंने ज्वाइन किया था कोर्स ये। तो उसके बाद मैंने कोर्स में आने के लिए कोई जिनका एडमिशन प्रोसेस होता है वो मैंने क्लियर किया, टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, फिर मेरा नाम आया, फिर मैंने कोर्स लिया। सही है। तो असल में हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि मतलब चक्कर क्या है, कामयाबी का राज असल में है क्या। तो आपके जो वालिद साहब हैं, आपके जो फादर हैं, क्या वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उनका कोई सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है, उनको कैसे पता चला? नहीं, उनको भी किसी की तरफ से इनविटेशन आया था कि ये कोर्स हो रहा है, कि तो मैंने ज्वाइन कर लिया। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये AI चैटबॉट होता क्या है। मैंने आपकी आउटलाइन पढ़ी थी कि इसमें नोड जीएस लैंग्वेज पढ़ा रहे, तो मैंने बोला कि न्यू लैंग्वेज है, इसकी डिमांड भी है, तो नोड जीएस लैंग्वेज सीख लेते। तो मैंने तो मेरा जो मेन पर्पज़ था कोर्स लेने का वो नोड जीएस लैंग्वेज सीखने का था, लेकिन आस्ते आस्ते मेरा इंटरेस्ट बनता रहा, तो अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हूँ। अच्छा फाइज, बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई ऐसे वो प्रेशर वाली बात नहीं है, ये घर वाली बात है। देखो मैं तो अभी यहाँ पे अंडा पराठा भी खाता जा रहा हूँ साथ साथ, बातें भी करता जा रहा हूँ। तो पॉडकास्ट जो है ना वो घर वाली बात होती है, कोई ऐसे इंटरव्यू वाला चक्कर नहीं है कि भाई टीवी पे इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं। सही है, जैसे टीवी पे होता है ना, नहीं यार ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, ऐसे पॉडकास्ट में ये सब नहीं होता। अभी तुम वो देखोगे ना जो रोगन का, तो वो बैठ के ना वो चर्चे पी रहे होते हैं स्पॉट का। तो हम एटलीस्ट हम तो अंडा ही पराठा खा रहे हैं, तो खैर हो गई, कोई मसला नहीं। नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा तभी। हाँ, तो बिल्कुल प्रेशर की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर शुरू किया आपने, सीखना शुरू किया, कितना टाइम लगा, क्या बहुत मुश्किल था सीखना, आसान था, कोई सजेशन देना चाहोगे जो लोग सीखने लगे हैं अभी स्टार्टिंग में? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एपटेक से 8 महीने का कोर्स किया हुआ था, तो मेरे लिए थोड़ा इतना ईजी नहीं था, लेकिन ईजी था, मतलब नॉर्मल था मेरे लिए। तो शुरू में मसला हुआ था जावास्क्रिप्ट, जब ज्यादा आप तेज लेके चल रहे थे तब मसला हुआ था, लेकिन कवर कर ली थी मैंने। अच्छा, वो मैंने किया था, उसके बारे में बताओ, क्या पढ़ाई की थी एपटेक से आपने? एपटेक में मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा का कोर्स लिया था मैंने, लेकिन मैंने हाफ किया था, मतलब एक सेमेस्टर करके मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, ऐसा क्यों भला, छोड़ क्यों दिया था? वहां पे कोई मतलब कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहे थे और इतना अच्छा नहीं लगा एपटेक में मुझे। अच्छा, तो अगर वो हाफ कर भी लिया था तो मेरे ख्याल 2 साल तो बहुत बड़ा अरसा होता है,
अगर 2 साल तक कंटिन्यूअसली आप कोई चीज सीख रहे थे तो आपको एटलीस्ट इंटर्नशिप वगैरह इस तरह की कुछ तो चीज मिल जानी चाहिए थी। नहीं नहीं सर, 2 साल नहीं, 1 सेमेस्टर किया मैंने, 1 सेमेस्टर मतलब 6 मंथ्स का। अच्छा अच्छा, तो 1 सेमेस्टर पढ़ के आपको मजा नहीं आया वहाँ पे, गालबन शायद वो पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं इस वजह से। जी जी जी। अच्छा, फिर आपने जो यहाँ पे जो सीखना शुरू किया तो क्या क्या चीजें अभी आप सीख चुके हैं, कौन कौन सी आपकी करंट एक्सपर्टीज क्या है? मेरी करंट मेरी जो मैं करंटली अभी जॉब्स कर रहा हूँ वो अलेक्सा पे कर रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स अलेक्सा में मिलते हैं। सही है, अलेक्सा स्किल चैटबॉट को। तो आप अभी अभी आपने कहीं पर कोई जॉब पकड़ ली है या आप, क्योंकि आप मुझसे कह रहे थे कि आपको शायद कुछ 1-2 लोग भी चाहिए, आप कह रहे थे? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी अपने कर रहा हूं। आपने नहीं कहा था, असल में वो 3-4 ने कहा था तो वो सब मिक्स हो गया। हसीब ने तो मुझे बोला था, ये तो मुझे याद है, अभी हसीब को हम लेते हैं आगे इसके बाद में आपके बाद। तो जी क्या कहते हैं, तो अभी आप क्या कोई जॉब पकड़ ली आपने या कोई बिजनेस चला रहे हैं या फ्रीलांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं मैं अभी फायर पे भी मैं अपना वो सर्विसेज दे रहा हूं चैटबॉट रिलेटेड की। अच्छा फाइवर पे आप सर्विसेज दे रहे हैं, सही है यार, बेस्ट है। अच्छा तो फाइवर पे यार एक आइडिया, एक जनरल आइडिया दो कि वैसे तो मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए और औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन एक आइडिया दो कि अगर कोई बंदा आपको, जैसे आपको कंप्लीट किए हुए कितना टाइम हो गया, 6 महीने हो गया कोर्स आपको कंप्लीट किए हुए? जी आई थिंक 6 मंथ्स 5 मंथ्स 6-5 मंथ ना, जो लास्ट वाला बैच था उसको खत्म हुए, जितना टाइम हुआ उतना ही टाइम आपको हुआ है जी, 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 पढ़े और इसी की ही जॉब कर रहे हैं जो आपने मुझसे पढ़ा है। जी, तो आप एक आइडिया दें ऐसे कि 5-6 महीने का अगर एक्सपीरियंस है बंदे को, 5-6 महीने से बंदा काम कर रहा है और 5-6 महीने कोर्स में जो किया है वो भी है, मतलब 1 साल लगा दिया। नहीं मेरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब मुझे जब प्रोजेक्ट मिला था तब कोर्स चल रहा था, जो मुझे पहला ऑर्डर मिला था मेरी उस दिन लास्ट क्लास थी उस चैटबॉट की, जिस दिन मेरी लास्ट क्लास थी उस दिन मुझे जब क्लास में बैठा हुआ था तभी मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था। अच्छा, आपको मैं मैंने शायद बताया भी था, आपको शायद मैंने बताया भी था, मैंने हमाद ने जब क्लास है मेरी एंड हो गई थी। नहीं दोबारा बता दो, मैं भूल जाता हूं थोड़ा। नहीं तो जब हमारी लास्ट क्लास थी बैच की कोर्स की तो तब मुझे ऑर्डर मिल गया था, पहला ऑर्डर मिला था फायर पे। और मुझे पहला ऑर्डर कितने का मिला था? मुझे आई थिंक 3 वीक्स हो गए थे, 3 वीक्स हुए थे अपनी प्रोफाइल बनाए हुए। अच्छा 3 हफ्ते हुए थे आपको प्रोफाइल बनाए हुए, आपको ऑर्डर मिल गया था, लेकिन वो कितने ऑर्डर मिल गया? पहला तो वो बहुत कम मिला था, पहला मिला था $10 का, $10 का, उसके बाद बड़े बड़े। अच्छा उसको करने में कितना टाइम लगा आपको, पहला प्रोजेक्ट जो था उसको करने में? बड़ी बड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगे, 3-4 दिन लगे, बहुत मेहनत की उसको करने में। अच्छा तो हम अब कैलकुलेटर बोलते हैं ना, वो तो तुम कह रहे हो ना, अभी तो भाई सेठ बंदा हो गया अभी ये तो भाईश भाई, इसको तो अभी लग रहा है, हम अभी कैलकुलेटर खोलते हैं ना। $10 का प्रोजेक्ट था, अच्छा उसमें से 20% तो फाइवर रख लेता है, बाकी मिलता है आपको 80% मिलता है, तो $10 का 80% हो गया $8। $8 का प्रोजेक्ट 4 दिन में किया था आपने, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा तो महीने में अगर 30 को हम 4 से डिवाइड करें, डिवाइड बाई 4, तो तकरीबन 7 प्रोजेक्ट कर सकता है बंदा अगर 4 दिन में एक कर रहा है, तो 8 × 7 तो नहीं, मुझे मुझे कोई कोई प्रोजेक्ट मिले थे वो 1-2 घंटे में हो जाते थे, ऐसे भी थे। ढूंढने में टाइम लग गया था। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि वो असल में प्रोजेक्ट था वो 3-4 घंटे का ही, लेकिन आपको 3-4 दिन लग गए क्योंकि वो पहला प्रोजेक्ट था, ढूंढने में टाइम लग गया उसको किस तरह होता है काम। अच्छा अच्छा, तो वो वंस फिर आपने करना शुरू किया तो फिर तो आपके मसला हल हो गया। फिर मसला हो गया, फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई बंदे ने 6 महीने लगा लिए हैं कोर्स पढ़ाई करने में और 6 महीने का एक्सपीरियंस भी हो गया उसके पास, उसको मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस का मतलब किसी के पास इंटर्नशिप पकड़ी भी है, कुछ भी पकड़ा है, अब वो फ्रीलांस में अगर प्रोजेक्ट पकड़ता है तो ऑन एवरेज क्या वो $400-500 कमा लेगा आराम से? आराम से, क्योंकि कोई कोई प्रोजेक्ट मिलते हैं वो $400-500 से ज्यादा ही मिल जाते हैं। अच्छा ये किस्मत पे बात होती है।
हाँ नहीं किस्मत तो इतना नहीं होता, मेहनत भी किस्मत और ज्यादा होती आपकी जो जो स्पीकिंग स्किल्स होती है उस पर भी बात है। है। अच्छा मिनिमम मिनिमम कितना कमा लेगा बंदा? मिनिमम 1 month में $200 मिनिमum, मिनिमम $100 टू टू हंड्रेड तो पता है, हाँ यस इससे कम सर। भी नहीं जाएगा। नहीं मतलब एक या दो प्रोजेक्ट भी अगर क्योंकि मिल जाए सर, $100 वाले। इसमें कंपटीशन बहुत बहुत लो है। इसमें अभी लोगों को पता नहीं है चैट बोर्ड्स के बारे में, तो अच्छा इसकी किसी को गिग पता ही भी नहीं है इसमें बहुत कम है। तो हाँ बंदे ही बहुत हाँ कम है, बिल्कुल सही। तो अच्छा अभी $200 पाकिस्तानी कितने बनेंगे जरा? 200 मैं आई इसमें लगा रहा हूँ, थिंक 40,000+ बनेगा। 45,900 बन रहा है, तकरीबन 46,000 बन रहा है। तो अब उसमें से 20% अपवर्क रखता है, तो आप 40,000 की जगह 30,000 लगा लें। तो हमें पता ये चला है कि ये वाला कोर्स करने के बाद फौरन ही बंदा इस काबिल हो जाता है कि 40-45 हज़ार वो फाइवर पे कमाना शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ ये यस सर, मिनिमम की लिमिट है, ये मिनिमम मैक्सिमम हाँ स्काई इज द लिमिट, मैक्सिमम की तो कोई हालांकि लिमिट नहीं, स्काई इज द लिमिट। कि अभी ख्वाहिश वो जाहिर ये है आपके या आपके लक पे डिपेंड करता है। आपको दिन में बैठे बैठे 3-4 प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं एक साथ। अच्छा मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आपको बैठने से प्रोजेक्ट मिलता है, लक से नहीं जी मिलता। जी यस सर क्योंकि फाइवर अगर आप खोल के बैठे हुए हैं ना, क्योंकि हाँ यस सर फ्रीलांसिंग जो है ना वो है ऑन द स्पॉट जॉब है। ये जी मैं आपको भी बता रहा हूँ, और भी जो लोग देख रहे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि फ्रीलांसिंग ऑन द स्पॉट जॉब है। आप अगर खोल के बैठे हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर, इवन दो अपवर्क ने अभी एक ना वर्किंग नाउ का एक टिक भी लगा दिया है, वो आप जब बैठते हैं ना तो आप एक कनेक्ट देते हैं, वो बता देता है कि आप अभी लाइव हैं। तो यस लोगों सर को जो आता है ना अभी काम कराने, वो ऑन द स्पॉट, भाई मुझे मिसाल के तौर पर किसी मसले में फंस गया हूँ या मुझे एक डेवलपर चाहिए, ऐप बनानी है, कोई कुछ भी बनाना है, मैं अब जरा क्लाइंट के दिमाग से सोच के देखोगे ना तो पता चलेगा कि यार उसने आके एक तो इतनी मेहनत से जॉब बनाई, अब अगर जी सर कोई उस पर बिल्ड नहीं कर रहा तो उसकी हट जाती है। अब यस वो सर आधा घंटा वहां पे बैठा हुआ है ना, अब वो जब उठ के जाएगा तो वो फिर अगले दिन ही बैठेगा दोबारा। जी तो ऑन द स्पॉट जॉब है कि जैसे ही मैसेज किया आपको क्लाइंट ने, आपने फौरन अगर यस जवाब सर दिया तो 90% चांस है कि वो जॉब आप विन कर जाओगे यस मैसेज। सर इसी तरह मेरे साथ ना काफी बार हुआ है। हाँ मैंने मैसेज रिप्लाई बहुत लेट दिया, क्लाइंट भाग जाता है। हाँ तो अब तुम खुद जाओ ना कभी फाइवर पे, खुद कभी जाओ फाइवर पे कुछ यस सर खरीदने के लिए, तो तुमने गिग स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें एक गिग बड़ी पसंद आई, तुमने जी उसको मारा मैसेज। अब वो अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो तुम बैठ के क्या करोगे? तुम और दूसरी गिग स्क्रॉल करोगे और क्या, यस सर डेफिनेटली किसी दूसरे को मैसेज मारोगे तुम तो यस वो भी सर यही करना है। तो फ्रीलांसिंग ऑन द स्पॉट जॉब है। जैसे ही मैसेज आया, मैंने भी मोबाइल में दोनों ऐप डाली हुई है, जैसे ही मैसेज आता है फौरन जवाब देता हूँ, तो बस जॉब आपकी है। तो क्या कहते हैं आगे का क्या प्लान है फाइश, आगे क्या करने लगे हो तुम अभी? अभी तो फ्रीलांसिंग का बिजनेस माशाल्लाह अच्छा चल रहा है आपका, सब कुछ ओके है, क्या शादी करनी है आगे, क्या करना है? नहीं नहीं शादी नहीं, अभी आगे इसी को कंटिन्यू करना है। आगे मैंने इसी को कंटिन्यू करूंगा और एडवांस पे जाना है इसको। अच्छा, तो कंटिन्यू करना है फ्रीलांस का, और मजीद एडवांस चीजें, मेरा ख्याल है कि शायद वेब 3.0 वगैरह की तरफ नजर होगी आपकी, नहीं जैसे ब्लॉकचेन की तरफ। ब्लॉकचेन सीखना है। ब्लॉकचेन मैंने भी यस सीखना है भाई, मिल के सर ठीक सीखेंगे। है सर चलो ठीक इंशाल्लाह। ठीक है भाई, फिर मुलाकात है रहेगी। सर ठीक है भाई। अच्छा एक दोस्त कह रहे हैं कि सर ऐसा स्टूडेंट जो अच्छे से, ऐसे स्टूडेंट को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, काइंडली प्राइवेट जूम क्लास बेस्ट है। हाँ जी प्यारे दोस्त, ये जो शुरू की 3 क्लासेस हैं ये फ्री हैं, इसके मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। जो आपका जो 4 महीने का कोर्स है जिसकी आपने फीस पे की है, वो शुरू होगा प्राइवेट, जब शुरू होगी ना क्लास तो वो आपकी असल में पहली क्लास होगी। तो ये जो क्लासेस आपकी अभी हो रही हैं ये तमहीदी गुफ्तगू है, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको डेटा देने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना करने क्या जा रहे हैं आप। ठीक है, आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। आपको अगर वही नहीं पता होगा तो फिर तो आप करेंगे कैसे आगे? तो ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये वाली जो क्लासेस हैं ये फेसबुक पे हम लाइव कर रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद यानी जो अब ट्यूसडे आएगा, अब जो ट्यूसडे आएगा हमारा, मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा कमिंग, उसमें जो हम क्लास करेंगे वो हम प्राइवेट करेंगे। उस वो फेसबुक पे पब्लिश भी नहीं होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी पब्लिक नहीं होगी, वो भी प्राइवेट में आपको शेयर की जाएगी आपके ईमेल पे सर। ठीक है, जो बाकायदा हम पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी तो हम बातें बातें कर रहे हैं, थोड़ी हेलो हाय कर रहे हैं और साथ में अंडा पराठा खा रहा हूँ मैं। अच्छा
एक दोस्त कह रहे हैं कि सर अगर डिग्री ना हो तो इंटरव्यू के लिए बुलाते ही नहीं है। भाई ये डिग्री का दौर जा चुका है, अभी फाइश ने तो डिग्री की भी है। अच्छा भाई मैं आपको मैं बात बताऊं, जो अगर आपका 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है ना, तो वो भी डिग्री के इक्वेलेंट होता है। ये बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती, आप इसको अलग से गूगल, मेरी बातों में आने की जरूरत नहीं है, अलग से गूगल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लंबी लंबी फेंकता भी हूँ समटाइम। तो 4 साल का, 4 साल की ग्रेजुएशन होती है ना, तो इक्वेलेंट अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप अपनी कंपनी अगर रन कर रहे हैं, तो वो डिग्री के इक्वेलेंट होता है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बहुत सारी कंपनी ऑनर्स को भी ये बात पता नहीं होती, वो कब डिग्री को लेकर चिमटे रहते हैं। डिग्री, अबे डिग्री क्या है, कागज़ है वो भाई, गलती से पानी में गिर गया तो वो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो डिग्री विग्री कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ी की बात। हाँ मैं ये नहीं कह रहा डिग्री छोड़ो नहीं, जो कर रहा है वो करो भाई, वो कल को पता बोलोगे सर ने बोला था कि डिग्री छोड़ देना, अभी मरवा दिया सर ने, तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा डिग्री छोड़ दो, मैंने खुद छोड़ दी वो अलग बात है, मैं किसी को मशवरा नहीं दे रहा लेकिन, ठीक है। हाँ लेकिन जिनके पास नहीं है डिग्री, मैं उनको ये भी कह रहा हूँ कि भाई डिग्री का इतनी बड़ी भी वैल्यू नहीं है कोई। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि चुन के कोई ऐसा स्टूडेंट निकालूं जिसकी डिग्री नहीं है और वो जॉब कर रहा है, ठीक है। अच्छा हसीब को आप जरा बुलाते हैं, हसीब से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। या सर जी, आपकी आवाज स्टक हो गई है थोड़ी, शायद आवाज स्टक है। क्योंकि मैं तो जानता हूँ आपको, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते जरा उनके लिए। तो मेरा नाम आसिफ अली खान है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अभी BScS कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ क्या काइंड ऑफ छोड़ ही दिया है मैंने। तो सर आप आ नहीं रहे, आप शो नहीं हो रहे सर। कैमरा बंद किया था, नहीं नहीं डिस्कनेक्ट नहीं हूँ मैं, मैंने कैमरा बंद किया था। तो मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अभी BScS कर रहा हूँ और काइंड ऑफ मैंने छोड़ ही दिया है। तो सर वो बात कर रहे थे डिग्री विग्री की, तो काइंड ऑफ मैंने छोड़ ही दिया, वो बस एक नाम का चल रहा है। वो कभी सुबह नहार मुठ के पेपर देने चले जाते हैं तो चले जाते हैं, वरना तो पेपर भी छोड़ देता मैं तो। कभी मेरे साथ ये सीन है, मैं थोड़ा ऐसा है। तो ये है, और बाकी मैं अपर और फाइबर पे क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ, मेरी काइंड ऑफ यही है। और अभी मुझे, मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, बल्कि 2 यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। एक में मेरा है हबरोज़ के नाम से, HABROZ, और हबरोज़ स्टैंड फॉर, मेरे 3 दोस्त हैं मुझे मिला के, तो उस पर ही वो है। तो HAB मतलब हंसी पति बारिक, और वो ब्रोज वाला, वो ब्रोज मतलब भाई वाला। और ऐसी एक हब ऑन स्ट्रीट के नाम से चैनल है मेरा, वहाँ पे व्लॉग्स आते हैं। तो वो ये है उसमें कि हब वही हो गया हसीब अतीब और बारिक ऑन स्ट्रीट, मतलब एक रोड के ऊपर, मतलब रोड के ऊपर चलते हुए हम चीज़ें दिखा रहे थे, वो उस पर स्टैंड करता है। तो ये है, और यार ये मेरा सिंपल सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अचीवमेंट तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई ख़ास नहीं है जो मैं बताऊँ, मुझे नहीं लगता, लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इतनी अभी कोई ख़ास मैंने अचीवमेंट करी है। अच्छा आसिफ डिग्री मांगता है कोई फ्रीलांसिंग में? अच्छा एक दोस्त यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि क्या नाम है इनका, एम उसामा नाम है, कह रहे हैं सर मैं हूँ जिसकी डिग्री नहीं है और जॉब कर रहा हूँ। उसामा जरा कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आप क्या जॉब कर रहे हैं और आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए, अपने जरा अपने बारे में मजीद लिखें आप कॉमेंट्स में प्लीज। तो आसिफ फ्रीलांस में, जब आप फ्रीलांस कर रहे हैं अभी, अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। सर अभी तो फ्रीलांस कर रहा हूँ, और मैं करंटली मूव करना चाह रहा हूँ अपनी, मतलब एक मतलब सॉफ्टवेयर हाउस काइंड ऑफ मूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी वो रिमोटली होगा, फिर उसको फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सो इसलिए मैं बंदे भी ढूंढ रहा हूँ, मैंने आपसे बोला था तो मैं शायद हायरिंग करनी है मुझे 1-2-3 बंदों की, सो उस हिसाब से। अच्छा तो काइंड ऑफ आपका अपना ही बिजनेस हो गया, जो क्योंकि आप क्योंकि बता रहे हैं तो अपना ही आपका बिजनेस है, और आप हायरिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये कि आप इतनी कम, आपकी एज क्या है भाई साहब अभी? मेरी अभी 22 है, रिसेंटली अभी मेरी बर्थडे आई थी तो 22 कंप्लीट हो गया। 22 की एज में आपने माशाल्लाह अपने लिए अर्न कर रहे हैं और आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं। मैं मुझसे भी अगर सम टाइम कोई पूछता है कि यार आपकी आप क्या करना चाहते हैं बिजनेस में, आप आगे कितना आगे जाना चाहते हैं,
किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मैंने इस मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कितना आगे जाना चाहता हूँ। सवाल तो अच्छा है कि यार आगे कितना है, क्या बिल गेट्स को मैच करना है, या कोई होता है ना लोगों का आइडियल होता है कि यार इतने मिलियन मैंने कमाए हैं तो फिर मैं बोलूंगा कि अच्छा भाई गुड हो गया। तो होता है सबका, मेरा भी है और होता है। तो अच्छा मैंने ये सोचा नहीं था कभी, ये मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सवाल था। तो मैंने ना सोचा होगा कि यार क्या गोल सेट होना चाहिए, क्या आंसर, क्या आंसर दिया, क्या इसका आंसर क्या हो, बेस्ट आंसर क्या है इसका। उस वक्त तो खैर मैंने मैंने यार पता नहीं मैंने सोचा ही नहीं है कभी, लेकिन बाद में मैंने सोचा यार, मैंने कहा बात तो सही है, कुछ तो सेट होना चाहिए बंदे का। सर एक मेरे हिसाब से दो काइंड ऑफ गोल्स होते हैं बंदे के, एक होता है अल्टीमेट गोल होता है उसका कि भाई मुझे यहाँ पे पहुंचना है, और एक मेरा मेरा अपने हिसाब से होता है कि मेरा एक वीक का गोल होता है, एक डे का भी होता है कभी कभी, और फिर एक साल का गोल होता है आपका। वो अचीव हो ना हो लेकिन आपको रखना चाहिए, मेरे हिसाब से रखना चाहिए आपको गोल, वो अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए भी, और फिर जब भी आप गोल अचीव करें तो अपने आप को ट्रीट दें, तो वो एक अच्छा अच्छी चीज होती है। तो मैं ऐसे चलता हूँ बेसिकली। यानी गोल तो हमेशा खुद से बड़ा होना चाहिए बंदे का गोल, तो ताकि वो एक बात है ना कि अपने अपनी जात के हिसाब से नहीं, देने वाले की जात के हिसाब से मांगो। तो गोल ऐसी है कि भाई मांग रहे हैं या अल्लाह करवा दे, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा तो फिर मैंने ना जब गौर से सोचा ना तो मुझे एक बात समझ में आई, मुझे ये समझ में आया कि व्हाट आई वांट के मेरी वजह से बहुत सारे दूसरे लोगों के घर के चूल्हे जले, मैं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं, तो मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है कि मेरा ये गोल है शायद इंटरनली। तो आपसे भी मैंने ये सेम बात सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि कहते हैं ना कि जो एक तो माँ बाप से बंदा असर लेता है, दूसरा अपने दोस्तों से लेता है, और अपने टीचर्स से भी असर लेता है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपका मेरे से असर आया है या नहीं, वो मैटर भी नहीं करता बाय द वे, लेकिन असर आ गया है। आप तो हमारे मेंटर हैं सर, सेम चीज सोच रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करें आप, तो ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। तो सर मैं मानता हूँ कि जो इससे ना आपके चीजों में बरकत आती है, मतलब जैसे कोई आपके ऊपर मुसीबत आएगी सही है, वो आपके ऊपर आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि आपने दूसरी की जो रोजी है ना वो आपसे कनेक्टेड है, तो उसका भी लक आपसे कनेक्टेड है। सो काइंड ऑफ मेरे ये थिंकिंग है। हाँ ये भाई मैंने किसी और से भी ये बात सुनी है मैंने, अभी मुझे याद आ गया, आपने बड़ा अच्छा बताया। वो एक साहब मुझसे कह रहे थे कि आप जब भी बिजनेस करें ना तो उसका एक छोटा सा परसेंट आप किसी की आप डोनेट कर दें, कोई खानदान ऐसा हो जो आप उसको संभाल लें या इस तरह कुछ करें, या एम्प्लॉयज आपके जैसे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जरिया बने हुए होते हैं उनकी रोजी का, तो वो आपकी रोजी में बंद नहीं होती, मतलब उनके जो उनके नसीब में जो अल्लाह पाक ने लिखा है वो आपके जरिए होता हुआ गुजर रहा है, उन तक पहुंच रहा है वो। तो जाहिर है वो आप अगर डिस्कनेक्ट होते हैं किसी भी वजह से तो वो सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों की दुआएं भी आपके साथ होती हैं, उन सब लोगों के नसीब का जो रिज़्क होता है वो आपके जरिए होके गुजरता है। तो जो दरिया दूसरों को पानी पिला रहा है वो खुद तो खुश नहीं हो सकता ना। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, बड़ा अच्छा लगा। तो आप जरा ये बताएं कि किस किस्म के लोग आप तलाश कर रहे हैं, ताकि जो व्यूअर्स में से भी कोई देख रहा है अगर, तो वो भी अपना रिज्यूमे पोर्टफोलियो यहाँ पे कमेंट में लगा सके, या आपको डायरेक्ट अप्रोच कर सके लिंक्डइन के जरिए या फेसबुक के जरिए। किस किस्म का बंदा चाहिए आपको? सर मुझे काइंड ऑफ यही चाहिए कि चैटबॉट उसको आता हो, आपसे कोर्स करा हो, या उसने आपसे कोर्स भी नहीं करा हो तो उसको एलेक्सा, डायलॉग फ्लो और इन सब पे काम आता हो, जो आपकी एक आउटलाइन है ना कि भाई एलेक्सा आप सिखाते हैं सही है, और डायलॉग फ्लो सिखाते हैं सही है, और गूगल गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट तो अगर आपने डायलॉग फ्लो सीख लिया तो गूगल असिस्टेंट, वैसे गूगल असिस्टेंट पे अब ऐप्स नहीं बनेंगी, वैसे अब अपडेट्स आ रही हैं उसमें, अब मसले आ रहे हैं उसमें गूगल असिस्टेंट, अब वो ऐप एक्शन के नाम से वो निकाल रहे हैं, नई अपडेट आ रही है सर आपने सुना होगा, तो उसमें मसले मसाइल हैं, तो वो आती हो ना आती हो उसका मसला नहीं है, बस असिस्टेंट आता हो, एलेक्सा आता हो, एलेक्सा असिस्टेंट मतलब वो एलेक्सा स्किल की जो भी होती हो वो आती हो, और डायलॉग फ्लो आता हो आपको बेहतरीन है, यू कैन वर्क विथ मी। अच्छा आपको वेब डेवलपिंग आती हो तो सुने पे स्वागत काइंड ऑफ थिंग है। अच्छा तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हसीब ने क्या कहा है, नसीब ने ये कहा है कि जो कोर्स में मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें अगर आती हो तो अच्छा है, अगर वो सब नहीं आता हो तो एटलीस्ट अलेक्सा स्किल किट आती हो, अलेक्सा स्किल किट और डायलॉग फ्लो थोड़ा बहुत आता है, अलेक्सा स्किल किट और डायलॉग फ्लो आता हो बंदे को थोड़ा बहुत, ये खुद भी सिखा देंगे उसको अगर बिगनर है तो। अच्छा उसके अलावा अगर वेब डेवलपर हो, वेब डेवलपमेंट का प्रीवियस एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी हो लेकिन मेन फोकस वो ये चैटबॉट पे ही है, मेन फोकस चैटबॉट। हाँ अच्छा
फुल स्टैक डेवलपर, गुड वर्क ब्रदर, कीप इट अप। अच्छा, मोहम्मद उसामा ने दोबारा कमेंट किया है कि सर मैं भी आपका एक स्टूडेंट हूँ, आप थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए क्लास लेने आया था, बट दैट क्लास वाज अमेजिंग। अच्छा, काइंडली बताइएगा कि आप कौन सी वाली क्लास में आए थे, वेब की क्लास में या चैटबॉट की क्लास में, एम उसामा। अच्छा, अब्दुल रहमान, सर जो स्टूडेंट इंटर्न हो वो क्या करें, कुछ मालूम नहीं। ये मेरे बात समझ में नहीं आई कि सर जो स्टूडेंट इंटर्न हो, इंटर्न तो पेड होता है ना, इंटर्नशिप जो पेड होती है, पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो जॉब ही होती है असल में, इंटर्न तो काम दिया हुआ होता है उसको। अच्छा, तो हसीब कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लास्ट में, अब उसके बाद हम शिराज। सर मैं ये बोलूँगा कि भाई मैं अपने हिसाब से ये बोलूँगा कि जो मैं जॉब दूंगा तो वो ऐसे होगी कि भाई आपको एक दो महीने पहले बेसिक सैलरी पे रखा जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपकी सैलरी, आप मुझे पसंद आए, मैं आपको पसंद आया, मैं भी तो पसंद आना चाहिए आपको, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको पसंद आ हूँ और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती वर्क करें, सो ये है, तो फिर ये उसके बाद फिर हम आपकी सैलरी अच्छी से इंक्रीज कर देंगे और फिर वर्क करेंगे, बस यही कहना चाहूंगा सर। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात की कि यार आपको तो एम्प्लॉय पसंद आया, लेकिन एम्प्लॉय को भी तो बॉस पसंद आया समटाइम, क्योंकि बॉस पसंद नहीं आता तो क्या कहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके असीब, बड़े दिनों बाद आपसे बात रही है, और पहले भी हमने असीब की एक दफा थोड़ी सी स्टोरी चलाई थी फेसबुक लाइव करके, वो उसी दिन रात को इन्होंने मैसेज किया था मुझे, तो मैं सुबह के टाइम मैंने उनको दूसरे दिन लाइव ले लिया था। तो आज भी हसीब ने मुझे पिछले दिनों ही कहा था कि मुझे ना लोग चाहिए, तो मुझे मैंने कहा कि यार हम पॉडकास्ट करते हैं फिर, तो असल में हसीब ने ही मुझे पहली बार ये बोला था, तो इन्हीं के कहने पर ही मुझे फिर ये आइडिया आया था, तो मैंने सब लोगों को फिर मैसेज मारा जिन जिन ने मुझे कहा हुआ था। तो जो भी लोग हसीब की रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं वो हसीब को लिंक्डइन पे भी एक्सेस कर सकते हैं, आपने शक्ल देख ली इनकी, इनकी मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा इसमें पोस्टर पर, और इस कमेंट में, इस लाइव सेशन के कमेंट में भी आप अपना सीवी, रिज्यूमे जो भी आपका है, अच्छा पोर्टफोलियो, अगर बना हुआ पोर्टफोलियो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सीवी देख के ना आपको जज नहीं किया जा सकता, आपकी गिटहब की प्रोफाइल अगर बनी हुई है, उसमें प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, चलता हुआ काम है आपका, कि जो क्लिक करके बंदा उसको देख सके सामने, ठीक है, तो वो सबसे इफेक्टिव होता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा आप अगर अपना चलता हुआ पोर्टफोलियो लगाएंगे ना या कमेंट में, तो हसीब से पहले हो सकता है आपको कोई और हायर कर ले, हो सकता है हसीब से ज्यादा सैलरी पे आपको कोई और हायर कर ले, ठीक है, तो पोर्टफोलियो पे बहुत तवज्जो दें। हम क्लास में भी कोशिश करेंगे, हम जो अभी शुरू होने वाली है न्यू, कि हम वक्तन फवक्तन आपको टास्क दिए जाएं और पोर्टफोलियो आपका तैयार किया जाए, ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाए जो कल को आपका इंटरव्यू में दिखा सके, क्योंकि हसीब आप जैसे अगर किसी को अगर हायर करते हैं, अगर उसका पोर्टफोलियो नहीं भी बना हुआ तो आप कैसे टेस्ट करेंगे उसको। सही बात है, टेस्ट ही नहीं कर सकते ना फिर तो ये तो नहीं है कि मैं अपने पास हायर करके फिर उसको टेस्ट करूंगा, ऐसा तो नहीं है। मैं तो यही है कि मैं भाई वो अपना एक पोर्टफोलियो, उसके 3-4-5 प्रोजेक्ट हैं, उसके चैटबॉट पे बनाए हुए हैं, वेबसाइट्स बनाई हुई है, ऐप बनाई हुई है कोई, तो वो दिखा दे भाई, उसके हिसाब से उसको जज करके हम रख लेंगे, फिर बाद में वो ऑनगोइंग फिर चलता रहेगा हमारे साथ जो भी सिलसिला उसका, वरना तो उसको मैं पसंद नहीं आया। अच्छा, वो जा भी सकता। अच्छा, लिंक्डइन पे हसीब आप इसी नाम से हैं, हसीब अली खान। जी यही, मतलब आपको अप्रोच कैसे करें बंदा अगर डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करना चाहे, वरना तो फिर मेरी फेसबुक से भी डायरेक्ट आ जाए, मुझे कोई भी इतना कंसर्न नहीं है कि मुझसे डायरेक्ट लिंक्डइन पे आए या कोई इतना। अच्छा, फोन नंबर अपना बता दें आप, तो फोन नंबर पे, फोन नंबर पे आ जाए 03111779808। अच्छा, एक दफा रिपीट कर दें, 03111779808। अच्छा जी सर, चले असीब फिर आपसे बात रहेगी, अब हम शिराज को बुलाते हैं हमारे पास अगले स्टूडेंट जो है, चले जी बाय बाय सर बाय। अच्छा जी, अब हम हसीब को बुलाने लगे हैं, सॉरी हसीब कह रहा हूँ, शिराज को बुलाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शिराज, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैंने ना कल परसों वो लगाया, शिराज ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया ना, तो मैंने वो क्लिप काट के ना इनसे पूछ भी लिया था मैंने, और मैंने लगा दिया फेसबुक पे। तो मुझे ना एक मेरे दोस्त मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये क्या तू स्कैम चला रहा है, ये तो मैं किसी भी इसको तो काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कहते कह रहा है ये असली बंदा भी है कोई, ऐसे ही स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्कैम चला रहा है कोई। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, मैं लाइव सेशन में ना फिर उनको बुलाता हूँ, फिर उनसे पूछते हैं फिर कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या। तो शिराज जरा पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और वो जरा बताएं वो मैसेज का क्या स्टोरी क्या है इसकी।
जी सर, सर मैंने ना तकरीबन ये जो अभी 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, अब मैं यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं बताऊंगा, पहले बाद में बताऊंगा, तो पहले ये चीज़ एक ज़रूरी हो गई है एक जानना कि मैंने BScS ही किया था और उसके 2 साल लग गए मुझे, मतलब ना तो मुझे जॉब्स नहीं मिली IT में, अपने सेक्टर में आने के लिए मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। और फिर मैंने एक बार रस्ट में अप्लाई किया था, वो जो PII वाले का प्रोग्राम आया था सर, तो वहां मैं गया तो वो मुझे जाना पड़ता था संडे के संडे, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता था आना जाना। तो फिर खैर अपनी फील्ड से बिल्कुल हट गया मैं। और अब दोबारा सर आपने जब ये अपना मन का स्टार्ट किया था कोर्स अपना, तो इसमें मैं एनरोल हुआ, तो शुरू में तो मुझे आपने जो जहाँ तक सिखाया था HTML CSS, तो वहां तक तो मुझे क्लियर था वहां पर रस्ट का। उसके बाद जब JavaScript आया, फर्दर हमारा नोड मोंगो, तो इसी में जब आपने हमें सबको कह दिया था कि यार अप्लाई करना शुरू कर दें आप लोग सबके सब ना, तो मैं भी अप्लाई करना शुरू कर दिया फेसबुक पे, मतलब हर जगह पे ना, लिंक्डइन पे तो अप्लाई करता रहा। तो उस वक्त तो ऑफर नहीं आई, लेकिन फिर मैंने अपना उनको गेटअप का जो प्रोफाइल थी, जो अपने प्रोजेक्ट्स हमें टाइम के टाइम बनवाए थे, क्रैड ऑपरेशंस वगैरह जितने भी थे, तो मैंने उनसे वो शेयर किया। उसके बाद फर्दर मेरे पास, मैं फाइबर पे भी चला गया, बहुत ही जल्दी मैं चला गया तो वहां से भी लेकिन सर प्रोजेक्ट मिले मुझे, 2 प्रोजेक्ट मिले, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे आया था सर मैं। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ एक सॉफ्टवेयर हाउस में अभी, तो वहां पर मैं गया, तो मैंने मतलब ना रिएक्ट अभी हमारा कंटिन्यू है सर आपको पता है, तो उसी में मेरी मतलब पोर्टफोलियो था, मैं थोड़ा एफर्ट कर रहा था जैसे आपने सिखाया था हम सबको, तो उसी में फिर मैं अभी वहां पर इंटरव्यू दिया मैंने। तो आपने तो हमें बताया था कि यार आप जूनियर जाओगे, तो हम आपकी बात, मैंने बोला चलो जूनियर भी चले जाए बहुत बड़ी बात है यार, लेकिन जो सर आपने हमें गेटअप हमारा था तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, तो मतलब बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड सैलरी थी, एक मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। अभी मैं फिलहाल बैंक में होता हूँ सर, तो अब तो मतलब मेरे लिए प्राइमरी यही होगा अपनी फील्ड, और वहां पर बैंक में अच्छी सैलरी है, लेकिन मैं जब मुझे 50 के उन्होंने बोला तो सर मतलब मैं रुका नहीं, अब मैं डायरेक्ट उनको ज्वाइन कर लिया और वहां पर सर फुल स्टैक में गया हूँ अभी। वेल डन यार शिराज, बहुत अच्छी बात है। असल में जो क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो सब लोगों को नाम से नहीं जानता मैं, तो मैं क्या कहते हैं, मेरे पास जब मैसेज आता है तो उसमें वही लिखा होता है बस शिराज। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब उनको भी जी पता चल गया होगा जो वो कह रहे थे ना कि भाई पता नहीं किसका मैसेज है। असल में इनका नंबर मेरे पास सेव नहीं था, तो मैंने अच्छा ऊपर से ना क्लिप कर दिया कि वो नंबर इनका पब्लिक ना हो जाए। तो वो क्या कहते हैं, इस वजह से ना वो उसमें ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं कहाँ से क्लिप किया हुआ है। तो ये है भाई वो शिराज, जिनका मेरे पास मैसेज आया था, मैंने वो 2-3 दिन पहले फेसबुक पे जो डाला था, वो आप उनसे मुलाकात हो गई आपकी। अच्छा, इनसे अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो कमेंट्स में इनसे सवाल पूछ सकता है। और शिराज, जरा अपना जो कोर्स के दौरान आपका एक्सपीरियंस रहा, जरा वो शेयर करें कि क्या जो ये फुल स्टैक आपने सीखा, क्या ये मुश्किल था बहुत, या आपको कितना टाइम आप डेली देते रहे थे इसको, और कंप्लीट अभी किए हुए कोर्स आपको कितना टाइम हुआ था जो आपको जॉब वगैरह मिल गई है? सर जब मतलब जावा शुरू किया तो जावा स्क्रिप्ट ने शुरू किया तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आई मुझे, लेकिन मतलब कंटिन्यू जो आपके आपने हमें लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए यूट्यूब पे, तो उनको भी देख लेते एक दो बार मजीद, और फिर थोड़ी प्रैक्टिस भी करते थे सर हम उस पर, तो मतलब हार्डली सर मैं दिन में 3-4 घंटे ना इसे मतलब देता ही देता था प्रैक्टिस को सिर्फ इसकी, और अच्छा जर्नी सर शिराज, काफी अच्छी रही यहाँ पर आपके साथ तो। आपके लिए सवाल आया है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं लोग आमतौर पे, क्या मांगते हैं इंटरव्यू में? भाई देखें इंटरव्यू जब मेरा शुरू हुआ था तो उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपकी डिग्री कहाँ से आई है, मतलब आपने कहाँ से पढ़ा है डिग्री, या आपने कोर्स जो मन का हमें बता रहे हैं ये भी कहाँ से किया है, उन्होंने सर इस चीज पे नहीं आए, वो अपने जो उनका मेन पर्पस था ना डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आए, मतलब कि मोंगो एग्रीगेशंस क्या होते हैं, इसमें इंडेक्सेस होते हैं, रिएक्ट की तरफ आए, हुक्स, यूज इफेक्ट्स, और वो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आए। जब उनको फिलफिल हुए इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स, तो सर उन्होंने ये नहीं मुझसे अभी तक उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं है, अच्छा, और आपने ये कहाँ से पढ़ा है। क्या बात है यार। अच्छा, मैं भी जब आज से, मैं शायद आपको 6-7 साल 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने भी जब इंटरव्यूज दिए थे ना, तो वो मुझसे वो ये पूछते थे, क्योंकि वो जाहिर है उस वक्त मैं छोटा सा लगता था देखने में, तो वो पूछते थे आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हो? मैं कहता हाँ।
तो वो कहते थे यूनिवर्सिटी मॉर्निंग में इवनिंग में, मॉर्निंग में भाई इवनिंग में करा लो। वो बाद में तो सर मैंने छोड़ ही दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दी मैंने, तो उन्होंने कहा भाई इवनिंग में करवा लोगे, तो मैं कहता था हाँ, तो कह रहे थे ठीक है ना। उन्होंने आज तक मुझसे नाम पूछा, ना मुझसे ये पूछा कि कौन से सेमेस्टर में हो, ना मुझसे ये पूछा कि नंबर कैसे आते हैं, और आपसे भी वही डेटा मिल रहा है शिराज से, तो बाकी लोग भी जरा बिल्कुल सर ऐसा ही होता है, उनको अपना काम चाहिए होता है, उनको हमारी डिग्रियों से कोई गर्ज नहीं होता सर। Those who already on a full-time job, can they choose this field to be a part-time income source after office hours? ये तो फैजान अब्बासी आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये तो शिराज की कहानी बता रहे हैं आप। शिराज बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी बैंक में फुल टाइम जॉब कर रहे थे, तो फिर इन्होंने ये कोर्स किया, और ये कोर्स करने के बाद एनरोल किया था तो आप कर रहे थे लेकिन, और पार्ट टाइम जॉब के लिए ही गए थे आप शिराज, लेकिन उन्होंने जब वो सैलरी ऑफर की ना तो इन्होंने बोला भाई छोड़ो बैंक को फाड़ में डालो। बना लिया इन्होंने, गए ये पार्ट टाइम जॉब के लिए थे। तो फैजान आप भी चाहें तो इस तरह आप कर सकते हैं। मैं हमेशा बाय द वे यही कहता हूँ कि जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है ना उससे सैलरी जब तक आपकी मैच नहीं हो ना, जो उसको आप छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिराज ने वेल डिसीजन लिया तो कुछ सोच के लिया होगा। और बैंक्स वैसे भी, बैंक की नौकरियां अभी खतरे में आ चुकी हैं बहुत क्योंकि आपका जो ये क्रिप्टो वगैरह आ रहा है और ये ऑनलाइन बैंकिंग और ये सब कुछ जो एक डिसरप्ट हो रही है ये मार्केट पूरी फाइनेंस की, तो इसमें जो है ना बैंक्स की नौकरियां तो वैसे ही जहां पे 2,000 लोग चाहिए होते थे वहां पे 10 लोगों का काम रह गया। अच्छा जी क्या मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ? मेरा ख्याल है शिराज डिस्कनेक्ट हुए हैं, मैं स्टिल कनेक्टेड हूँ। अच्छा तो मेरा ख्याल है कि शिराज डिस्कनेक्ट हो गए तो बस इनसे हमें इजाजत लेते हैं। अच्छा अब हमारे पास जो अगले हमारे दोस्त हैं उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके लिए वो सरप्राइज रहेगा, लेकिन उनके बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। अच्छा मेरे जो चैटबॉट का जो सबसे पहला बैच हुआ था उसमें उसके स्टूडेंट हैं ये, और बहुत दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। जब भी इनसे मिलो तो हमेशा आपको इनकी जो शक्ल है ना वो हंसती मुस्कुराती भी मिलेगी, इनकी ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा ना सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अभी इन्होंने माशाल्लाह कंपनी भी एक स्टार्ट की है, मुझे अभी इन्होंने सेशन से पहले जिक्र किया इन्होंने, तो वो सब हम इनसे पूछेंगे कि वो क्या हो रहा है। उसके अलावा अपनी कम्युनिटी के लिए भी, जहाँ पर ये रहते हैं अपने टाउन के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। तो हाफिज़ मोहम्मद रयान ने जो है ना ये गेस कर लिया कि इनका नाम। अच्छा तो बगैर किसी ताखीर के हम ज़रा बुला लेते हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये तो बंदों ने आपकी क्वालिटी देख के ही आपका नाम गेस कर लिया। बस आप सर ये आपकी वसीले से हुए, वरना तो हमाद ऐसा नॉर्मली था, हमाद शेख बना आपकी वजह से। हेलो आई एम ऑडिबल, थोड़ा सा आपकी आवाज ब्रेक होती है लेकिन सही आ रही है आवाज आपकी। ओके ओके तो क्या कह रहे थे, हमाद शेख नहीं था पहले आपका नाम? नहीं मतलब पहले तो सब हमाद बुलाते थे, लेकिन अब जो है ना वो हमाद शेख वो पूरा नाम लेते, थोड़ी सी रिस्पेक्ट। अच्छा अच्छा रिस्पेक्ट थोड़ी ऊपर हो गई। चलो यार ये तो बड़ा अच्छा है कि क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना कि इफ यू आर नॉट अ किंग बी अ किंग मेकर, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को सोचता हूँ कि यार आई शुड बी अ किंग मेकर, तो आप वो लोग हैं, आप हैं वो किंग्स जो मैंने बनाए हैं। क्योंकि देखें मैं अगर अभी जिस जगह पर भी हूँ, मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो मैं उस पर गरूर नहीं कर सकता, मैं उस पर घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर दूसरे लोगों की मेहनत है, उनका खून पसीना है, उनकी मेहनत है, तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। लेकिन मैं अगर किसी को इस काबिल बना दूँ, जैसे कि आप हैं, हसीब है, और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों का अभी कनेक्ट नहीं कर पाया उनकी अवेलेबिलिटी का इशू था, तो आप लोगों पे मैं शायद कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि हाँ यार मैंने भी कुछ किया है जिंदगी में। तो हमाल जरा अपना इंट्रोडक्शन आप थोड़ा खुद से भी करवा दें। अच्छा एज यू गाइस नो मेरा नाम हमाल शेख बिन नदीम है, और अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूँ तो राइट नाउ मैं टेक्यू चैट्स के नाम से सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ रिमोटली। अच्छा
मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो थी सलानी के साथ। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो कोविड में स्टार्ट हुई, जब सलानी का फर्स्ट कोर्स आया वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो उस वक्त मैंने जस्ट स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि यार एक कोर्स आया वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको पता है कोविड में कोई खास काम नहीं होता था, तो मैंने कहा कि चलो यार कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो टेक की जर्नी मेन जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट हुई। तो ड्यूरिंग द कोविड मुझे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना था, तो मेरा एडमिशन सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में हो गया। राइट नाउ आई एम फोर्थ सेमेस्टर अभी मेरा क्लियर हुआ है। तो सलानी से जर्नी शुरू हुई, देन मैंने वेब डेवलपमेंट वहाँ से कंप्लीट की। तो उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया ITG इनोवेटर्स, उनका बहुत बड़ा पार्ट है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो उसके बाद जब मैं ड्यूरिंग ऑफिस में ही था तो इत्तेफाक से सलानी का दूसरा कोर्स आया AI चैटबॉट डेवलपमेंट का। तो वो असल में मैंने इससे पहले AI चैटबॉट डेवलपमेंट नहीं सुना था, लेकिन मैंने जो कोर्स में कुछ चीज़ें ऐसी देखी लाइक वॉइस एप्लीकेशन, वॉइस असिस्टेंट एंड वॉइस एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो ये चीज़ें ना मुझे अट्रैक्ट की, क्योंकि इससे पहले मैंने एक छोटा सा IoT प्रोजेक्ट बनाया था वॉइस कंट्रोलर कार, तो वो सारी चीज़ें ना मुझे अट्रैक्ट करने लगी। तो मैंने कहा यार ये कोर्स करना है, तो मैंने फिर इस कोर्स में एनरोल किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हुए, टेस्ट में फिर मैं पास हुआ और फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गए। अच्छा, तकरीबन मैंने कोर्स के तकरीबन 3 महीने कंप्लीट किए थे, आप ही इंस्ट्रक्टर थे, तो तकरीबन 3 महीने मैंने कंप्लीट किए थे। तो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना विन किया था फाइवर पे, जस्ट 3 मंथ मैंने कोर्स किया, और डायलॉग फ्लो और एलेक्सिस उस दौरान ही मतलब हम पढ़ रहे थे, तो उसी वक्त मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट फाइवर पे विन किया था। तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैंने ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स तकरीबन मैंने 3 से 4 प्रोजेक्ट्स फाइवर पे कंप्लीट कर लिए थे, और मैं नियर टू द लेवल 1 सेलर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ लेवल 1 सेलर हूँ, और रीच करने वाला हूँ ऑलमोस्ट लेवल 2 को भी। तो फिर मैंने जैसे ही कोर्स लानी से मैंने कंप्लीट किए तमाम चीज़ें, उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी कम्युनिटी में मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी, जो गूगल डेवलपर्स की कम्युनिटी है वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है डायलॉग फ्लो जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो गूगल डेवलपर्स की हमारे यूनिवर्सिटी में पूरी कम्युनिटी है, तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर डायलॉग फ्लो को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वहाँ से बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला, ऑलमोस्ट कोर्स में 30+ स्टूडेंट ने इनरोल किया था, बट एट द एंड ऑफ द कोर्स तकरीबन 10 to 12 स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने सर्टिफिकेशन हासिल की थी, मतलब मैं एज अ इंस्ट्रक्टर था उनका, और वो सर्टिफाइड हो गए थे मेरे रेफरेंस से गूगल से। अच्छा, तो ये तो मैं सिखाने वगैरह की तमाम चीज़ें चलेगी। तो मैंने फाइवर को फिर मजीद एक्सप्लोर किया, फिर मैंने फ्रीलांसिंग के साथ साथ मैंने उन फ्रीलांस जो क्लाइंट्स थे उनको पर्सनल क्लाइंट्स बनाने के ऊपर फोकस दी कि भाई उनको शिफ्ट करो पर्सनल क्लाइंट्स की तरफ। तो ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स बनना शुरू हो गए जो कि रेगुलर बेसिस पे जिनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स था। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि एक लार्ज अमाउंट में प्रोजेक्ट्स और तमाम तरह चीज़ें आ रही, क्यों ना एक सॉफ्टवेयर हाउस की बुनियाद रखी जाए जिससे मजीद लोगों की भी हेल्प हो सके और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकूँ। तो मैंने टैक्यू चैट्स के नाम से अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लाइफ, और एक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एक नॉर्मल बंदा जो कि पूरे महीने काम करके एक नॉर्मल बंदा जो पूरे महीने काम करता है उससे बहुत अच्छी अर्निंग मैं बना लेता हूँ जस्ट थ्रू रिमोट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस रन करके। अच्छा हम्माद, आप मुझे कुछ ये भी बता रहे थे कि आप भी कुछ हायरिंग वगैरह करने वाले हैं, आपको भी मैंने आपको एक वॉइस नोट शेयर किया था वो कि मेरे मलेशिया के क्लाइंट, आई थिंक मैंने आपको पॉडकास्ट से पहले शेयर की थी वो क्लिप। बेसिकली आप जब अच्छा काम करते हो ना डेवलपमेंट में, यही कि आप अच्छा जब काम करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई बाय 2x हो जाती है। मेरा कहना वो मैं आपके पोर्टफोलियो में आपने वॉइस नोट शेयर किया था वो मैं क्या यहां पे दिखा सकता हूं सब लोगों को? बिल्कुल एग्जैक्टली तो मैं ये जरा पहले वो दिखा देता हूँ जो हम्माद ने मुझे भेजा था ना, वो पहले दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन आ गई, और ये क्या सीन है भाई, कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, ये कनेक्ट हो गया।
But yeah, I don't mind starting with Pakistan first, if it helps you. Brother, don't worry, brother. No problem about this. No IT revolution in Pakistan. I can do one thing for you if you can help me out on some of these things. Very soon we will kind of launch into multiple systems. So when we're giving different services, we also need capable people for such services, right? So as you can see, I'm also working on the medical SaaS, and we got many other things. But if they are talented, if you think they are really good and you can recommend them, yeah, I got no problem. I trust your word, brother. So if we can launch a few things that I'm trying to do now, and I will see if we can try to arrange something for you in the future to come here to Malaysia. Maybe, or if you have good talent over there, you can recommend me or send me their resume, and I can see how I can use them for anything, or even if not me, maybe for my friends also, depending on their skills, right? So, yeah, this is business. So, if both ways can make something, then yeah, no problem. Right? So, management must be happy and the employee must be happy. That's the goal. So, but because I like you, so this is my offer to you. So, yeah, when you need me to come over there, you can let me know. And above everything, in future, we can try to have something. But yeah, I need to launch this thing because for now, construction, and then there's another marketing side and few things that I'm also busy into. But yeah, planning to move completely into this thing because I'm kind of okay in AI, but trying to give my SaaS services, so I will do more IT based. Knowledgeable people, right? So yeah, like React or whatever this is, your people or your friends want. Yeah, we can try to see something. Especially, I know you'll be like a coach or trainer. So, but with any students who would be in your contact list, so maybe we can try to work something out. So yeah, you will look very good connection in Malaysia, and at the same time. We can help some young people over there, right? It's nice to be part of something like a revolution. I like to do that. I had plans last time to help people in Africa because in the blockchain industry, there's very good experts over there. But yeah, I don't mind starting with Pakistan first, if it helps you. Actually. Sir, in short, ye kehna ye chah rahe hai ke आप सिर्फ फ्रीलांस वहां पे काम नहीं करो. मुझे तो दो तीन बार कह चुका है मलेशिया आ जाओ, मलेशिया आ जाओ, मलेशिया आ जाओ. लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमारी तुम्हारी पूरी डेवलपमेंट टीम है अगर उसको लेके तुम मलेशिया आ जाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं. अभी मैंने इसको सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी एक सॉफ्टवेयर बना के दिया था जिसमें चैटबॉट भी इन्वॉल्व था, और उसने जो वॉइस पे जो मैंने इंटरेक्शन की वो देख के इसके जो जिसके लिए इसने प्रोजेक्ट बनाया था, जिस क्लाइंट के लिए इसने प्रोजेक्ट बनाया था, वो बिल्कुल अमेज हो गया. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आप रिमोट बेस सिर्फ काम नहीं करो, आप वहां पर आ जाओ, हम आपको अकोमोडेशन भी देंगे, आपकी जो सैलरी तमाम तरह चीजें देंगे, मतलब आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो ये एक बेस्ट पार्ट है कि सबसे पहले तो मुझे फख्र होता है कि बींग अ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक मलेशियन क्लाइंट आपको ये कह रहा है कि आप वहां पर आकर विजिट कर लो. मतलब एक ये रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा कि आईटी का आने वाले वक्तों में कि पाकिस्तान से लोग जाकर दूसरे कंट्रीज में जाकर आईटी को एक्सपोर्ट करेंगे. और राइट नाउ आप अगर फ्रीलांस रेशो देखें तो बहुत ऊपर जा रहे हैं, मंथ बाय मंथ फ्रीलांसर के आईटी एक्सपोर्ट का रेशो ऊपर जाता रहे. तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न आईटी रेवोल्यूशन. और चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लोगों का ध्यान बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, लोगों का ध्यान बहुत कम है, क्योंकि लोग ना ज्यादातर उसी तरह के भाई वेब डेवलपमेंट और इस मन स्टैक टेक्नोलॉजी और ऐप डेवलपमेंट इस तरफ
जो है ना डेवलपमेंट जो बच्चे जाते हैं स्टूडेंट्स वगैरह सीखने, वो ज्यादातर इस तरफ चले जाते हैं कि भाई मुझे वेब डेवलपर बनना। आप जैसे जो भी नॉर्मल बच्चा मैट्रिक या इंटर करता है उसको आप पूछेंगे भाई कौन सा कंप्यूटर का कोर्स करोगे, तो वही बोलता है या तो ग्राफिक डिजाइनिंग बोलेगा या तो फिर वेब डेवलपमेंट बोलेगा। तो वही है कि भाई पत्थर उठाओ, वेब डेवलपर ऐसा दौर है अभी। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो चैटबॉट एंड वॉइस बॉट के जो आप जो कोर्स लॉन्च करें ना, दिस इज द राइट टाइम जो कि स्टूडेंट लर्न करना चाह रहे। और मैं अगर जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं मुझे, भाई मैं अगर इस स्टेज पे मौजूद हूँ तो सर इंजमाम ने ही मुझे पढ़ाया है, और चाहे वो सैलानी की मेरी सक्सेस स्टोरी हो, चाहे मेरी लाइव सेशंस हो, आप जब स्क्रॉल करेंगे तो सर इंजमाम ही आपको दिखेगा कि भाई हमाद की वीडियो बनाते हुए सर इंजमाम है, और सर इंजमाम की वीडियो के फेसबुक प्रोफाइल पर भी सारी चीज़ें पोस्ट हुई हुई। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, या अगर ज्वाइन नहीं किया, किसी चीज़ की हेल्प चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम चाहिए, क्योंकि ये वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको आप सीखोगे और आपके पास जॉब बैठी हुई है, जॉब आपका इंतजार करेगी कि भाई भाई सीख लो यार, मुझे काम, मुझे आप पैसे ले लो। ऐसे हैं कि भाई लोग कि भाई आप पैसे ले लो, मुझे एप्लीकेशन बना कर दे लो। सर आप यकीन नहीं करेंगे, एक से दो बार तो ऐसा मोमेंट आया रमजान में, ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया कि यार काम का लोड ज्यादा है, और उसी दौरान मैंने आपको अपनी फर्स्ट रनिंग भी शेयर की कि अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने इतने बनाए। तो ये दौर था उस दौरान। तो दिस इज यू नो आई एम राइट नाउ और क्या सिचुएशन था तमाम बच्चे। अच्छा, तो ये जो बंदे आप कह रहे हैं कि आपने हायर करने हैं, तो पहले तो जरा वो डिटेल बताएं उसकी के, अच्छा मुझे नहीं पता ये क्लाइंट अभी क्या आपके साथ चल रहा है इसका, तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो बंदे को आती हो तो आपके लिए वो बेस्ट है, फिर आप उसको हायर कर लेंगे, वो जरा बता दें। अच्छा ये जरा जो बता रहे हैं हम आज, इसको जरा बहुत गौर से सुनो, जो भी लोग यहाँ कमेंट में देख रहे हैं ना व्यूअर्स हैं, और जो भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो इनको जरा गौर से सुने इनकी बात को, क्या रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, और वो अगर आप इसकी मैच कर जाए तो अभी आप अपना रिज्यूमे या पोर्टफोलियो इसी कॉमेंट में लगाएं, अभी आपको हम हायर कर लेंगे। और अगर आपको वो नहीं आता है तो वो ही चीजें सीखनी है फिर आपको, क्योंकि ये चीजें टेक्नोलॉजी मार्केट में हॉट है, इसी की डिमांड है, तो आपको ये चीजें फिर सीखनी है। जी अहमद सर, सबसे पहले तो वो जो भी रिज्यूमे जिस सेंड कर रहा है उसको दो चीजें सबसे पहले आनी चाहिए। उसको सबसे पहले फ्रंट एंड एक अच्छा डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इस दौर में यूजर इंटरफेस जितना अच्छा, यूजर इंटरेक्शन जितना अच्छा हो ना आपके सॉफ्टवेयर में, उतने ही ज्यादा लोग ठहरते हैं। ठीक है, आपको फ्रंट एंड डिजाइनिंग अच्छी आनी चाहिए, लाइक रिएक्ट पे आपके ऊपर कमांड होना चाहिए, और दूसरा सर्वर लिखना अच्छा आना चाहिए, लाइक आपके ऊपर आपको नोड जेएस में कमांड आनी चाहिए, एक्सप्रेस को आपको, तमाम तरह से सर्वर आपको एक अच्छा लिखना आना चाहिए। क्योंकि आपकी अगर वेबसाइट आपने बनाई और वो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट लेट ले रही है, और मतलब वो लोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, तो ऐसी वेबसाइट पे लोग या ऐसी सॉफ्टवेयर पे लोग ज्यादा देर नहीं रुकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाए जिसपे कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, लाइक रिएक्ट हो, और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाए तो रिएक्ट नेटिव या फ्लटर की तरफ चला जाए, और अगर आप वेब बेस्ड बना रहे तो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी राइट ना हो, जो कि एमवीसी के ऊपर बेस करती है, लाइक एंगुलर है, रिएक्ट है, और सर्वर जैसे मैंने बनाया कि अच्छा लिखना आना चाहिए, आपको फायरबेस अगर कर सकते हैं। फायरबेस मैं नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती है ना तो फायरबेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, फिर भी क्लाइंट्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं भी जो पर्सनली क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो नोड जेएस रिकमेंड करता हूँ, और साथ साथ अगर वो बैकएंड भी चाहता है तो मैं उसे MongoDB रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं इसे और थोड़ा सा माइलस्टोन को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अगर फ्रंट एंड डिजाइनिंग अगर आपकी अच्छी आपको करनी है, तो सबसे पहले आपको रिएक्ट, आपका HTML CSS JavaScript ये तो आनी चाहिए, उसके बाद देन आप रिएक्ट के ऊपर मूव करोगे, तो रिएक्ट के ऊपर आपको डिजाइनिंग अच्छी बनानी आनी चाहिए। देन अगर आप सर्वर की तरफ जा रहे हो तो सर्वर आपको नोड जेएस और फायरबेस भी आप सीख लो, बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन अगर बैकएंड की तरफ आ रहे हो तो MongoDB और MySQL की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, सारे आपको डेटाबेसेस भी सीखने। देन आप आ जाते हैं एप्लीकेशन वॉइस एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो चैटबॉट डेवलपमेंट की तरफ है, क्योंकि एक तो नॉर्मल आपने कन्वर्सेशन कर ली भाई, कहीं ना कहीं वो डेटा सेफ तो होगा ना, तो वहाँ पर आपको नोड जेएस और डेटाबेस काम आएगा। और फ्रंट एंड साइड सी बात है, आपको एक कोई ना कोई UI बनानी पड़ेगी, तभी आप जाकर आप यूजर से इंटरेक्ट करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको, ये पूरा रोड मैप है, सबसे पहले आपको फ्रंट एंड, देन सर्वर, देन डेटाबेस, देन सर्वर से पहले मैं कहूँगा कि आप चैटबॉट डेवलपमेंट सीख लें, कि भाई आपने किस तरह चैटबॉट बनाना है, किस तरह से बात करवानी है, देन आप उस वो रिस्पॉन्स जो आपको मिल रहा है उसको डेटाबेस और सर्वर के थ्रू सेव करवाएं।
तो ये एक पूरा रोड मैप है और इस तरह के लोगों की राइट नाउ डिमांड है और आपको ये तमाम तो टेक्नोलॉजी आ जाएगी ना तो आप नॉर्मली आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में इन तमाम तो डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। आप जरूरी नहीं कि आप मेरे पीछे लगे रहे, आपको खुद अब जॉब आप खुद जॉब लेने के काबिल हो जाएंगे और अपनी आप खुद सॉफ्ट हाउस रन करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अहमद, आपने ना दो जिक्र किया, एक आपको चाहिए वेब डेवलपर और एक आपको चाहिए चैटबॉट या वॉइस एप्लीकेशन डेवलपर। वॉइस एप्लीकेशन डेवलपर, ये तो आपने बता दिया कि भाई ये चीजें आनी चाहिए, लेकिन मिनिमम क्या चीज आनी चाहिए कि आप उस बंदे को हायर कर लेंगे? पहले आप वेब डेवलपर को बताएं और फिर चैटबॉट का, मिनिमम उसको क्या आना चाहिए, एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है मिनिमम। अच्छा टेक्नोलॉजी के, मैं चैटबॉट को पहले लेकर आता हूं, आपको अगर आपने एनएलपी लिखना है तो आपको डायलॉग फ्लो या एलएसएस स्क्रिप्ट के ऊपर कमांड आनी चाहिए, ठीक है? और अगर वही रिस्पॉन्सेज वगैरह सेव करवाना है, ऐसे बात है आपको यूजर से जो भी बात करवाना है उसको डेटाबेस में सेव करवाना है तो आपको सर्वर लिखना अच्छा आना चाहिए, जो कि मैं नोड जेएस रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, और ज्यादातर वही आते हैं पाइथन वाले, पाइथन प्लस वाले बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि नोड जेएस के ऊपर उन्हें कमांड आनी चाहिए, क्योंकि फिर आप अगर वेब 3.0 की तरफ भी जाएंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि रिएक्ट और आने वाले वक्तों में नेक्स्ट जेएस और ये सारे वेब 3.0 में यूज हो रहे हैं, तो आपके लिए आगे यही नहीं कि आप चैटबॉट डेवलपमेंट में जाके स्टक लाइक अ जेमिनी इन वन वे हो जाए, आप आगे आपकी भी जर्नी शुरू हो जाएगी कि भाई आप वेब 3.0 ब्लॉकचेन को इवॉल्व करो और ब्लॉकचेन की तरफ जाओ ये, बट राइट नाउ फॉर द बिगनिंग ये तमाम टेक्नोलॉजीज वो हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी एक नॉर्मली $400 to $500 per month कमाने के लिए, और एक अच्छी अर्निंग आप घर बैठे इतना अगर आप अर्न कर लेते हो तो बहुत जबरदस्त अर्निंग है। एक नॉर्मल डेवलपर इतना अर्निंग कर पाता है जो कि मंथली जाता है, वो बॉसेस की पूरी बातें सुन रहा होता है कि भाई डेटा करप्ट हो गया, सर्वर नहीं चल रहा, और आप अपने बॉस ऑफ योर ओन होते हो। सही, तो चैटबॉट का जो बंदा आप हायर करेंगे उसको डायलॉग फ्लो, अलेक्सा स्किल किट, ये दो चीजें आनी चाहिए, एक सर्वर की लैंग्वेज और एक डेटाबेस, ये चार चीजें अगर आती हो तो आप उसको चैटबॉट डेवलपर के तौर पे एज अ बिगनर आप हायर कर लेंगे उसको, ठीक है? अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि क्या रिज्यूमे आप कैसे आपको दिया जाए तो बेस्ट रहेगा, क्या लिंक्डइन का प्रोफाइल आपको दे दिया जाए या गिटहब दे दिया जाए या पेपर पे बना के पीडीएफ आपको भेजा जाए, क्या चीज बेस्ट रहेगी? मतलब कैसे जज करेंगे आप कि एक जो बंदा है वो आपके लायक है या नहीं है, कैसे जज करेंगे आप? मैं रिकमेंड करता हूँ आपकी एक पोर्टफोलियो हो, वो होस्टेड हो, अगर मैं उसके ऊपर क्लिक कर तो वो एक अच्छा सा डिजाइन हो, वहां पर आपके बारे में लिखा हुआ है कि भाई मैंने ये टेक्नोलॉजी सीखी है। अच्छा पोर्टफोलियो भी जरा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा पोर्टफोलियो बोला किसको जाता है। अच्छा पोर्टफोलियो समझ ले, आप एक वेबसाइट पे अपनी एक आपने वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर तमाम तरह डिटेल्स है आपकी, आप क्या करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सीखी हुई। अच्छा मैं लिंक्डइन ज्यादा नहीं रिकमेंड करता इस वजह से, क्योंकि मतलब वहां पर तो ये है ना कि भाई कोई भी किसी को भी ऐड कर लिया, कनेक्शंस बनते जा रहे हैं 500+ कनेक्शन, लेकिन वो इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, मतलब एक सोशलाइजिंग ऐप के तौर पर यूज कर रहा होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे लिंक्डइन पे प्रोफाइल जो सिर्फ एज अ नॉर्मल कनेक्शन गेन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ, मैं लिंक्डइन में रिकमेंड करता हूँ, लेकिन इंस्टेड ऑफ लिंक्डइन आप पोर्टफोलियो को ज्यादा अहमियत दें, क्योंकि पोर्टफोलियो में आपका एक पूरी आपकी लाइक आप जो हो, आप जो कर रहे हो, उसकी पूरी तमाम तरह डिटेल्स होती है। अब लिंक्डइन में आप बहुत सारी चीजें मतलब लाइक कर रहे होते हैं और इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि आप आपकी पूरी लिंक्डइन की प्रोफाइल को खंगालें, तो एक पोर्टफोलियो क्या है, यूनिफाइड फॉर्म में है, आप वहां पर तमाम तरह चीजें देख सकते हो कि भाई एक बंदा है, लाइक मैं अगर किसी भी प्रोफाइल देख रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि भाई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम आता है, तो जाहिर सी बात है मैं उसकी पोर्टफोलियो को ज्यादा अहमियत दूंगा। पोर्टफोलियो वो ऐसा नहीं हो कि भाई वो सीवी पकड़ा रहा है, बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो को सीवी समझते हैं, नहीं आपको एक वेब बेस्ड होस्टेड हो वहां पर कहीं पे भी, आप होस्टिंग की आपको टेंशन नहीं है, गिटहब प्रोवाइड कर देता है, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइडर है जो कि प्रोवाइड करते हैं फ्री होस्टिंग, आप उसे अपनी वेबसाइट बनाए, उसको होस्ट करें और देन आपको एज अ रिज्यूमे और एज अ पोर्टफोलियो कहीं पे भी सेंड करना, आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो भाइयों सब लोगों को समझ में आ गया है कि पेपर पे लिखा हुआ जो रिज्यूमे है ना, वो ना मेरे पास सर टाइम उसको पढ़ने का, रीड करने का, ना हमाद भाई के पास टाइम है, तो आपको कुछ ऐसा बना के देना है कि मैं बस लिंक भेजे, मैं लिंक पे क्लिक करूं और सामने मुझे नजर आ जाए कि आपने ये बनाया है। अच्छा जरूरी नहीं है वो वीडियो की फॉर्म में भी, जैसे आप चैटबॉट है आपने बनाया है तो जाहिर है उसको चला के देखना पड़ेगा, तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं,
और वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे अपलोड करके वो लिंक आप भेज दें मत भाई को, हम पे क्लिक करेंगे वीडियो चल पड़ेगी कि ऐसे ऐसे चलता है ये चैटबॉट, और उस चैटबॉट का लिंक भी हो साथ में, तो ये कि क्लिक किया और वो चलना शुरू हो जाए। ऐसी कोई चीज आपको भेजनी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बिठा के आपसे इंटरव्यू करे, आपसे 10 सवालात करे। वो टाइम चला गया कि जब बिठाते थे वो कहते थे यार पेपर देते थे यार ये टास्क करके दिखाओ या ये चीज कैसे सॉल्व होगी, वो दौर चला गया इंटरव्यू लेने वाला। अब किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि आपका इंटरव्यू लेने का वेट करे, वो पोर्टफोलियो देखेगा, उसी में आपको वो जज करेगा बंदा कि यार ये किसी काबिल है या नहीं है, उसको लगेगा आप में दम है जब ही वो आपको बुलाएगा। और इंटरव्यू में वो आपका टेक्निकल वेक्निकल नहीं देखेगा, वो देखेगा भाई बोलने में कहता है बदतमीज तो नहीं है बंदा, गुस्सा मावा तो नहीं खाता, भाई ये देखते हैं इंटरव्यू में, इसके आगे कुछ भी नहीं देखते, सही है, मतलब वो देखते हैं कोई गुंडा बदमाश तो नहीं है बड़ी मूंछों वाला, तो इसलिए बुलाते हैं इंटरव्यू में। वरना टेक्निकल तो उसने आपके पोर्टफोलियो में जज कर लिया आपको। अगर इस टाइम पे अगर आपने किसी को पोर्टफोलियो भेजा और उसने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया, उसका मतलब ये है कि आप हायर हो चुके हैं। अगर आपने उस इंटरव्यू में कोई बदमाशी नहीं की ना, तो आप हायर हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बात इस चीज को समझो प्लीज। अच्छा हमाद भाई, ये तो हो गई हमारी जॉब वगैरह की बात कि आप क्या कर रहे हैं, वो वाली बात हो गई। तो अब जरा सा ये बताइएगा प्लीज कि जो है ना आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज है वो आप क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इसके अलावा कहीं शायद पढ़ाना भी शुरू किया था आपने रिसेंटली कहीं? हाँ मैं सर मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, मेरे अंकल का ही कोचिंग है फास्ट कॉमर्स कोचिंग के नाम से। वहाँ पर मैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाई सिर्फ मैं एज अ शाइनिंग स्टार बनकर सिर्फ घूमते रहूँ, मैं चाहता हूँ कि और भी मेंटोर्स और भी, क्योंकि मैंने जो रियलाइज किया ना अपने वो ज्यादातर लोगों का फोकस ये होता है कि भाई काम कुछ भी सीख के ना जॉब करना है, वो फिर यही ना कि जॉब करने वाले मतलब लोग फिर वही पैदा होते हैं कि भाई आपको अब इस राइट नाउ जो टेन्योर चल रहा है ज्यादातर लोगों का फोकस ये है कि भाई जॉब लेनी है। लेकिन अगर हम फोकस करें इंडिया को, अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें, वहां पर स्टार्टअप्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो हमारे यहाँ यही है कि भाई जॉब करनी मतलब नौकर बनना है, तो भाई नौकर नहीं बनाओ, नौकरी नहीं करो, नौकर बनाओ आप। तो भाई आप स्टार्टअप क्यों नहीं लेते कि भाई आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आप बॉस ऑफ योर ओन हो, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं हो, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद समझ सको, अगर कोई प्रॉब्लम अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो तो आपको उसको खुद रियलाइज करें, ऐसा नहीं हो कि किसी और की मिस्टेक हो और बात आपके ऊपर आ रही हो, ठीक है। तो मैंने इसी वजह से मैंने ये कहा कि भाई कोई कोर्सेज स्टार्ट करता, तो राइट नाउ मैं वेब डेवलपमेंट पर पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली गर्ल्स को राइट नाउ मैं पढ़ा रहा हूँ वेब डेवलपमेंट अपने अंकल की कोचिंग फास्ट कॉमर्स कोचिंग सेंटर के नाम से, वहाँ पर वेब डेवलपमेंट में पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राइट नाउ लोगों का आईटी की तरफ आने का मूड है, लेकिन उन्हें कोई पाथ नहीं मिल रहा कि भाई किस तरफ हम दौड़ें। अब मैं सलानी की बात करूँ तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, उनको भी जज वहाँ पर भी एक ऐसी बात सलानी में भी एक लिमिटेड सीट है कि भाई इतने बच्चों को हम बैठा सकते हैं। तो अब मैंने इसी वजह से कि मैंने कहा कि यार इसको क्यों ना मैं अपनी तरफ से, क्योंकि सलानी ने मुझे इस लेवल तक पहुँचाया, तो मैं क्यों ना लोगों का जो भी मुझसे पॉसिबल हो सके मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो इस वजह से मैंने खुद कोर्सेज करवाना स्टार्ट किए ताकि मैं अपनी कम्युनिटी जो मैं अपने एरिया के जो लोग हैं उनकी हेल्प आउट कर सकूं। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा मेरी आवाज ना लोग कह रहे हैं कि रिपीट हो रही है। हमाद मैं आपका माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट अगर करके चेक करता हूँ, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ सॉरी। अच्छा तो मैं अपना सवाल करके फिर आपका माइक ऑन कर दूंगा। अच्छा हमाद आपने कहा कि आप पढ़ा भी रहे हैं और आप साथ साथ कंपनी भी रन कर रहे हैं और आप खुद भी आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत शायद आपकी चल रही है अभी, वो पूरी नहीं हुई है, जरा उसके बारे में बताइएगा कि आपने पढ़ाई क्या की हुई है, बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जरा बताइएगा। और आप ये बताइएगा कि इतनी सारी चीज़ों को जब आप साथ में मैनेज करते हैं तो टाइम क्या मिल पाता है दूसरी एक्टिविटीज़ का, जो एंटरटेनमेंट वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं, जो कहीं जाना आना भी पड़ता है, कहीं दावत भी होती है, शादियाँ भी होती हैं, तो उसको अटेंड करने के हवाले से क्या सिलसिला रहता है? क्योंकि मैं जब शुरू में मुझे तो लोग मतलब दोस्तों से बिल्कुल ही कट गया था मैं, तो क्या आप भी बिल्कुल कट गए दोस्तों से या आप कोई मैनेज करने का कोई तरीका आपने ढूंढ लिया है? सर अगर इसकी बात करो तो हाँ थोड़ा मसरूफियात ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि आप फिर आपको डेवलप भी करना पड़ता है, फिर आपको न्यू क्लाइंट्स भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं, फिर वो क्लाइंट्स जो आपके पास हैं उनसे आपकी मीटिंग चल रही होती है, उनके प्रोजेक्ट्स के क्वेरीज होते हैं, तो टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन मैंने एक दिन अपने संडे का कुछ वक्त निकाला हुआ शाम का टाइम, उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलते हैं हम सब, तो
क्योंकि लाइफ में रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है. और अच्छा मैं एजुकेशनल की बात करूँ तो राइट नाउ मैं फिफ्थ सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होने वाला है और मैं ईयर 2021 ईयर के लिए मैं सेलेक्ट हो गया हूँ गूगल डेवलपर्स की कम्युनिटी में एज अ टीम मैनेजर. तो कोर टीम मेंबर मैं एज अ सेलेक्ट हो गया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए गूगल डेवलपर्स की कम्युनिटी के लिए. तो यूनिवर्सिटी मैं SMIU यूनिवर्सिटी में होता हूँ और फिफ्थ सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होने वाला है. अच्छा ये तो हो गई मेरी एजुकेशनल. अब मैं बताता हूँ कि भाई मैनेज क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इस दौर में बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है और हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है. मैं भी कभी कभी बिल्कुल हट जाता हूँ. अच्छा घर आप जाहिर सी बात है जब फ्रीलांस करते हो ना तो लोग समझते कि भाई ये फारिग बैठा हुआ है और मतलब कोई काम नहीं है इसको करने का. हालांकि वो असल में ये समझते हैं कि लैपटॉप के सामने बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है. अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है दफा तो टाइम को मैनेज करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है. बट मैंने कुछ टास्क बनाए हुए हैं मैंने कुछ ऐसे किए हुए अपने कि भाई फला चीज़ को आप अच्छा मैं साथ साथ क्योंकि लर्निंग भी चल रही है लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी चल रही है तो इस तमाम सब चीज़ों को एक टाइम स्लॉट पर मैंने डिवाइड किया हुआ है कि भाई इतना टाइम इसके देना है और फला टेक्नोलॉजी को इतना टाइम देना है. अब मीटिंग का तो कुछ पता नहीं मीटिंग अचानक हो जाती है कभी कभी बाकी चीज़ों को भी वहाँ पर डिनाई करना पड़ता है. अच्छा तो ये सिचुएशन होती है बिल्कुल भाई. जब अभी भी ना मुझसे बहुत सारे मेरे रिश्तेदार बड़े खफा रहते हैं मुझसे कि यार ये आया नहीं अभी तक. अच्छा ये मेरे पास पावर फेलियर हो गया अच्छा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ. अच्छा तो मेरे ना मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार बड़े खफा रहते हैं मुझसे ना कि ये आया नहीं और हमारे पास शादी थी तो ये नहीं आया फिर हमारे पास पता नहीं क्या हो गया. तो थोड़ा सा जो है ना उनको बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे. अच्छा हम आज जो जिस तरह बता रहे हैं टाइम ये मैनेज कर पा रहे हैं मैं तो बिल्कुल मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सम टाइम ना. तो ये भी रहेगा इस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना है क्योंकि देखो भाई एक मैं आपको बल्कि अच्छी सी बात याद आ गई मुझे कि अगर जीना है ना तो एक दफ़ा अपने आप को मारना पड़ेगा आपको. तो एक दफ़ा वो कोई तोता शिकारी जाता है जंगल में शिकार करने तो वो तोता पकड़ के लाता है वहां से कोई तो वो बड़ा उसको अच्छा लगता है बड़ा खूबसूरत सा तोता है भाई बड़ा मजा आ रहा है और वो तोता भाई बातें भी कर रहा है सब कुछ कर रहा है. तो अच्छा लेकिन वो तोता बेचारा वो खुले में घूमने वाला था उसने बोला कि यार ये मुझे कहाँ बंद कर दिया तुम लोगों ने. तो एक दिन वो शिकारी ना दोबारा जाने लगता है जंगल तो पूछता है वो तोते से. अब ये तो फिक्शन है ना इसके अंदर तोते से पूछा भी जा रहा है तोते की भी राय ली जा रही है असल में तो ऐसा नहीं होता. तो पूछता है कि यार मैं जा रहा हूँ जंगल तुम्हारे रिश्तेदारों के पास तो कोई मैसेज अगर है तो बताओ. तो वो कहता है कि यार फला फला जगह जाना एक बूढ़ा होगा बूढ़ा तोता होगा उसको ना जाके मेरी सारी कहानी सुनाना और बताना कि मैं कैसे पकड़ में आ गया हूँ मैं तुम्हारे और तुमने मुझे यहाँ पे रख लिया है तो अब मैं वापस नहीं आ सकता मुझे भूल जाए वो बस मैं अभी इधर ही रहूंगा तेरे पास ही रहूंगा. तो जाके उसको सुनाता है. अब वो जैसे ही वो कहानी पूरी करता है ना वो बूढ़ा तोता ना टप करके वो नीचे गिर जाता है शाख पे बैठा बैठा ना टप नीचे गिर जाता है और वो मुंह से झाग आता है और मर जाता है. तो वो कहता है यार ये क्या हुआ. इतने में क्या होता है जितने तोते हैं ना सारे वो सारे टप 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 नीचे गिरने लगते हैं सारे मरने लगते हैं सबके मुंह से झाग आ गया सारे तोते मर गए. उड़े भाई वो तो परेशान हो जाता है ये क्या हो गया ये तो इतना पता नहीं सदमा लग गया इनको सारे के सारे एक साथ मर गए क्या सीन हो गया ये. तो वो फिर अफसुर्दा हो जाता है फिर वापस आ जाता है कहता है यार अभी तो मर गया सारे अभी क्या करें. अच्छा वापस आके ना इस तोते को बताता है कि यार मैंने जब कहानी सुनाई तुम्हारी वो सारे के सारे मर गए तो इतना तुमसे प्यार करते थे वो तो इतने में ना ये भी मर जाता है ये भी गिरता है टप नीचे और ये भी इसके भी मुंह से झाग आता है ये भी मर जाता है. अच्छा ये और टेंशन में आ जाता है कि यार इतना प्यारा तोता था मेरा एक तो वो सारे मर गए ये मेरा भी नुकसान हो गया. अच्छा अब वो उस तोते को निकालता है पिंजरे से बाहर ऐसे हाथ में पकड़ के कि भाई तुम मेरे बहुत प्यारे तोते थे और तुम्हें मैंने बहुत खिलाया पिलाया तुमसे मैंने बहुत प्यार किया और मरने के बाद भी मैं तुम्हें याद रखूंगा हमेशा. अच्छा तो इतने में वो तोता ना फुर करके उड़ जाता है. वो तोता जब फुर करके उड़ता है ना तो वो उड़ने के बाद कहता है कि वो जो तुम गए थे ना बूढ़े तोते के पास तो उसने ना मुझे मैसेज दिया था उसने मुझे मैसेज दिया था कि बच्चा अगर जिंदा जीना है ना अगर जीना है खुल के तो एक बार मर जा एक बार अपने आप को मार ले उसके बाद खुल के जियो. तो वो बूढ़े तोते का मैसेज जो ना ये समझ गया और ये मर गया अपने आप को मार दिया इसने. तो
इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अगर एक दफा खुल के जीना है ना तो थोड़ा अपने आप को मारना पड़ेगा। जैसे हमाद भाई हैं, हमाद भाई को भी शायद अभी बता नहीं रहे खुल के, लेकिन इनसे भी बड़े रिश्तेदार खफा रहते होंगे, दोस्त खफा रहते होंगे कि यार ये तो घमंडी हो गया, ये तो अभी हमें हमें बात भी नहीं करता, हमसे फोन भी नहीं करता, लेकिन उनको अभी हम क्या बताएं कि हमारे पे क्या बीत रही है। हमाद भाई क्या ख्याल है आपका कि अपने आप को एक दफा मारना पड़ेगा? यही सिचुएशन है कि भाई बहुत बड़ा हो गया है और मतलब टाइम नहीं निकालते हैं, अब तो मसरूफ हो गया, बड़ा बंदा बन गया, लाइव सेशन हो रहे हैं, और मतलब जब से सलानी की वीडियो आई ना, मतलब उसके बाद क्योंकि ऑफिसेज और इस तरह के तमाम तरह इन्वॉल्वमेंट की वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। इवन कि ये होता है कि घर वालों को टाइम देने का नहीं मिलता है टाइम कि भाई घर वाले बोलते भाई उठ जा लैपटॉप से, भाई उठ जा, अब उठ जा, और फिर रिश्तेदार तो फिर बहुत दूर की बात होती है कि वहां पर जाना और फिर बैठना, कभी कभी बिला वजह की बैठनी पड़ जाती है कि भाई अम्मी को लेकर जाना है तो बैठना पड़ेगा, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट होते हैं। बट या रिश्तेदारी है और तमाम तो चीजें देखनी पड़ती है, तो कभी कभी सुन लेता है कि भाई बड़ा हो गया और ये हो गया, लेकिन यही है कि भाई टाइम को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा तो भाइयों इसी मैसेज के साथ कि अगर जीना है तो एक दफा मरना होगा, आपसे इजाजत चाहते हैं। अच्छा मैं लास्ट में जाते जाते ये बताना चाहूँ कि कोर्स की टाइमिंग ड्यूरेशन वगैरह जो भी सवाल आते हैं आपके, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आज हमारी जो ये तीसरी क्लास थी, हम तीन पॉडकास्ट कर चुके हैं, एक हमने सलील के साथ किया था, एक हमने मार्केट ट्रेंड के मुताल्लिक किया, एक हमने अभी प्रीवियस स्टूडेंट से जरा पूछा कि भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, आया कि ये पढ़ने के बाद कुछ कर भी रहा है कोई, ऐसी वेला ही घूम रहा है। तो हमने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे भी इनसे बात होती नहीं है मेरी, क्योंकि कोर्स खत्म हो गया, ये चले गया, अभी व्हाट्सएप पे कभी स्टेटस वगैरह दिख जाता है, इससे ज्यादा मेरी भी इनसे बात नहीं होती। तो ये मेरे लिए भी चीजें सारी न्यू है कि जो इनसे मुझे पता चलती है कि अच्छा यार अभी हसीब ये कर रहा है, हमाद ये कर रहा है, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है सुन के। तो ये हमने तीसरा आज पॉडकास्ट कर लिया है। अच्छा अब जो हमारी चौथी क्लास होगी दैट इज ऑन सैटरडे सेम टाइम 5 बजे से लेके 7 बजे तक, एंड दैट वुड बी ओरिएंटेशन क्लास। ओरिएंटेशन क्लास में आप सब लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, चैटबॉट से मुतालिक सवाल पूछ सकते हैं कि यार ये चैटबॉट जो मजा तो आ रहा है, हेलो हेलो कर रहे हैं चैटबॉट से, लेकिन असल में लगेगा कहाँ, इसका होगा क्या, तो ये सारे जो सवाल हैं ना ये आप ओरिएंटेशन क्लास में पूछ सकते हैं। ओरिएंटेशन क्लास में जो है वो एक स्लाइड में बनाई हुई है मैंने, वो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा, मैं शेयर करूंगा कि मैं कैसे इस फील्ड में आया, मुझे किस चीज़ ने मोटिवेट किया, और ये चैटबॉट के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं, हम क्यों चैटबॉट सीखने जा रहे हैं, ठीक है, इसका पूरा हम ओरिएंटेशन सेट करेंगे कि हम आगे जाने कहाँ वाले हैं। तो ये कम्प्लीटली एकेडमिक पे बेस होगा हमारा, अब जो चौथा क्लास होगी जो, अच्छा वो इसी जगह पे होगी फेसबुक लाइव पे 5 बजे से लेके 7 बजे तक। अच्छा उसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी यानी ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि हमारे 3 दिन होती है क्लास, ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो अब सैटरडे को तो होगी ओरिएंटेशन क्लास, उसके बाद जो आगे आएगा ना ट्यूसडे उससे फिर हमारी ये प्राइवेट होगी क्लास, उसके बाद हम फेसबुक पे लाइव इस तरह नहीं आएंगे, वो जूम पे या गूगल मीट पे प्राइवेट क्लास होगी, और वो फिर आपको यूट्यूब पे शेयर की जाएगी रिकॉर्डिंग उसकी प्राइवेटली, वो पब्लिक नहीं होगी फिर रिकॉर्डिंग। अच्छा जो ट्यूसडे से पहले पहले, वैसे तो लास्ट डेट जा चुकी है इसकी, लेकिन ट्यूसडे से पहले पहले अगर कोई भी आप में से चाहे, अगर कोई भी इनरोल होना चाहता है तो वो फीस पे करके इनरोल हो सकता है, यू स्टिल हैव टाइम। वैसे तो लास्ट डेट जा चुकी है, लेकिन जो जिस बंदे ने ये सेशन पूरा यहाँ तक देखा है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास स्टिल यू कैन इनरोल इन दैट सेशन इन दिस कोर्स, और आप भी 4 महीने के इस छोटे से अरसे में आप ये कोर्स करके एटलीस्ट आप जूनियर चैटबॉट डेवलपर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके 40-50 हज़ार महीने के कमाना शुरू कर सकते हैं इस 4 महीने का कोर्स करने के बाद, ठीक है जी। तो फिर आपसे मुलाकात रहेगी अगले पॉडकास्ट के सेशन में जो कि हमारी ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है, ठीक है जी। भाई आपसे भी चाहते हैं। Okay,